नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयंत। आदर्श क्लासेस के इस YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। जैसा कि आज 8 मई 2022 है और आज BPSC 67वीं BPSC का एग्ज़ाम हुआ है, जिसमें आप सभी ने अपना आंसर की मिला लिया होगा और आप मिला करके ये जान चुके होंगे कि हमारा स्कोर कितना आया है। लेकिन आपने उसको मैथ को किस तरह से सॉल्व किया है, तो आज मैं पूरे 10 मैथ का सॉल्यूशन करके बताने वाला हूं और आपने कैसे सॉल्व किया, कहां गलती किया, ये भी आप मिला पाएंगे और आगे आने वाले BPSC एग्ज़ाम में भी आपको ये हेल्प करेगा। तो आप पूरे सेशन में, पूरे वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए और हर सवाल बनाने का जो कंसेप्ट मैं बताऊंगा उसे आप सीखिए। आशा करता हूं कि इससे आपका मैथ अच्छा हो पाएगा। तो आपका जो पहला क्वेश्चन दिया है, लॉग 2 पे पावर 32 का मान क्या होगा, इसमें देखिए 2-3 फॉर्मूला आपको आनी चाहिए लॉग का। पहला तो आपको ये फॉर्मूला आनी चाहिए कि अभी मैं बताता हूँ, लॉग ए और भागा बी अगर हो तो आपको लिखना होगा लॉग ए बटा में लॉग बी। पहला नियम ये आपको आना चाहिए। दूसरा नियम आपको ये आना चाहिए कि लॉग ए पर बी होगा तो आप बी लॉग ए लिख सकते हैं। ये दो नियम आपको एकदम आना चाहिए, इस नियम पे आप इसे कर पाएंगे। देखिए, आपको जब ऐसा लिखा हो तो इसे कैसे सोल्व करिएगा, तो आपको लिखना क्या है कि लॉग 32 बटा में क्या लिखिए, लॉग अंडर रूट 2। आप ये बताइए कि आप क्या आप इसको लिख पाएंगे, लॉग 32 को 2 के पावर 5 और लॉग रूट 2 को क्या लिख पाएंगे, 1/2। जब भी ये पावर होता है तो इस नियम से इसका गुणांक बन जाता है, तो आप लिखेंगे लॉग 2/1/2 लॉग 2। अब ये लॉग कट जाएगा तो आपका जो बटा में 2 है ऊपर चला जाएगा, तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इस सवाल का उत्तर जो होगा 10 होगा। आशा करते हैं आप इसे समझ चुके होंगे। अगर थोड़ा सा दिक्कत होगी तो आप वीडियो को रोक करके दोहरा करके एक बार ज़रूर देखिएगा। आइए दूसरा सवाल देखिए। कहा कि 45 नींबू को 40 रुपये में बेचने पर एक आदमी को हानि होती है 20%। लेन देन में 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 24 रुपये में कितना बेचना चाहिए। सारे क्वेश्चन टाइप कर दिए गए हैं बाबू, तो इस क्वेश्चन को आप पूरी तरह से समझना, देखना। देखो क्या दिया है, ये बार मैं पर डे के प्रैक्टिस सेट में बताता हूँ आप लोग को हूँ कि पहले आप खर्चा लिखो, पहले ऊपर लिखो 40 रुपया में 45 नींबू बेचा तो हानि हो गया 20% का, बटा में 80 लाभ लेना है 20% का तो ऊपर आप लिख दो 120। अब ये कटा लोगे, ये 2 बार में कट जाएगा और ये कटा लीजिएगा तो ये 60 बार में कट जाएगा। और कटा लीजिए आप यहाँ से 15 चौके 60 और 15 3 45, तो 4/3 आ गया। इसका मतलब हुआ कि 4 रुपया में 3 नींबू। अगर आपको इसे 24 रुपया बनाना हो तो आप 6 गुना करिएगा, तो नीचे भी 6 से गुना कर दीजिए तो इसका वैल्यू आ जाएगा 18। तो आपका जो आंसर होगा बी सवाल का सही उत्तर होगा कि 24 रुपये में कितने बेचना चाहिए, तो 18 उसे बेचना चाहिए। रहा दूसरा क्वेश्चन। तीसरा सवाल आपसे ये पूछा था कि 110 मीटर लंबी एक ट्रेन 58 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर रही है, कितने समय में यह एक राहगीर को जो उसी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है पार्क, उसी के दिशा में जब जा रहा है तो आपका समय बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिएगा। तो समय बराबर होगा गाड़ी की लंबाई लिखिएगा, गाड़ी की लंबाई और चालों का अंतर लिखना पड़ेगा आपको, चालों का अंतर। तो आप देखो गाड़ी की लंबाई है 110, चालों का अंतर कर दीजिएगा तो ये 58 - 4 तो आपका आ जाएगा ये 54। तो अब इसके बाद इसको आपको करना क्या पड़ेगा, 5/18 का गुणा करना पड़ेगा, 18 3 54 आ गया, राइट।
अब इसको काट दीजिएगा तो ये 22 पाँचे होता है 110। आपका उत्तर आ गया 22 बटा में 3, 7 सही 1 बटा में 3 सेकेंड। तो आपका उत्तर बी सवाल का सही उत्तर हो जाएगा 7 सही 1 बटा 3। तो आप ऐसे मिला लीजिएगा कि आपका कितना सही है। इसके बाद देखिए जो चौथा सवाल आपसे पूछा है कि 200 और 600 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 4, 5 और 6 से विभाज्य हैं। जब भी ऐसा सवाल दे तो आपको करना क्या होगा कि आप क्या करेंगे कि जो ये विभाजक दिया है इसका एलसीएम पहले कर लीजिए। इसका एलसीएम आ जाएगा 60 आएगा। तो आपको करना क्या है कि 200 में भी 60 का भागा दीजिए और 600 में भी 60 का भागा दीजिएगा, राइट। इसको भागा दीजिएगा तो 10 आएगा और ये 3 आएगा। तो 10 और 3 का अंतर 7, एक घटाना पड़ता है, इसका उत्तर 6 होगा। क्यों? क्योंकि जो ये पूरा कंप्लीट कर जा रहा है, सवाल में बीच दे रखा है और यहाँ पे 10 को जो संख्या आ रहा है उसमें लास्ट वाली संख्या भी काउंट है, इसे लास्ट में एक घटा दीजिएगा तो इस सवाल का उत्तर क्या आ जाएगा, 6 इस सवाल का राइट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 5 पे आ जाते हैं कि एक समचतुर्भुज का परिमाप आपको दिया था 52 मीटर है। क्या दिया था? 52 मीटर है और उसका छोटा विकर्ण 10 मीटर है। तो छोटा विकर्ण 10 मीटर है तो लंबे विकर्ण की लंबाई क्या होगा। देखो ये सवाल को आपको करने के लिए सबसे जरूरी है ट्रिप्लिकेट का आना। पहले आपको सबसे जो जरूरी है कि क्या आपको ट्रिप्लिकेट आता है क्या। देखिए ये आपका एगो विकर्ण हो जाएगा बड़ा और ये आपका दूसरा विकर्ण हो जाएगा, राइट। अब देखिए जब परिमाप आपका दिया है 52 तो आपको पता होगा 4 × 52 लिखिएगा तो ए का मान आ जाएगा 13। मतलब बाबू यहाँ पे इसकी भुजा आ जाएगी 13 और आपको ये पता है कि इसकी छोटा विकर्ण जो दिया है, छोटा विकर्ण 10 दिया है। अगर ये छोटा विकर्ण 10 है तो ये 5-5 होगा। तो अगर ये 5 देखो आप तो ट्रिप्लिकेट का आप नियम समझिएगा, क्योंकि ये जो समचतुर्भुज होता है, समचतुर्भुज कैसे काटता है तो जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। तो यहाँ राइट एंगल ट्रेंगल बनेगा। ये राइट एंगल ट्रेंगल अगर 13 है, एक भुजा 12 है और दूसरा 5 है तो ये ट्रिप्लिकेट कहलाएगा। तो ये 5 है 12, यहाँ 13 है तो ये वाला 12 होगा, तो ये 12 12। इस तरह से सवाल का जो उत्तर आ जाएगा 24 आ जाएगा। ये ट्रिप्लिकेट पे फास्ट और जल्दी बन जाएगा, क्लियर। चलिए तो अगला सवाल दिया है कि 100 मीटर की दौड़ में ए 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ता है और ए बी को 4 मीटर से शुरुआत देता है और फिर उसे 15 सेकेंड से हरा देता है तो बी की गति क्या होगा। देखो यहाँ शुरुआत का मतलब होता है लीड देना, जैसे हम पीछे हैं और आपको कह दिया कि लो थोड़ा सा आगे से आप दौड़ो, तो ये बात कर रहा है कि आपको लीड दे रहा है। तो देखो भाई करना क्या होगा, आपको ये बात को समझना है आप कि डायग्राम सेट करो कि ये देखो ये वाला डायग्राम लो कि यहाँ पर ए होगा और इसके आगे यहाँ से बी होगा। यानी अगर पूरा यहाँ पे 100 मीटर है तो अगर जो बी यहाँ से जो बी जा रहा है उसको 96 मीटर ही जाना होगा यहाँ तक, क्योंकि 4 मीटर का यहाँ से वो 4 मीटर का क्या है लीड दे रखा है। तो आप यहाँ पे पहले ए की आप समय निकाल लो, ए का समय निकालिए। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, तो दूरी बटा में चाल, राइट। अब इसे आपको 5/18 का गुणा करना पड़ेगा, है ना। तो ये कटा लोगे 8 × 5 = 40, 40 अढ़ाई होता है और 18 × 36 = 45, तो आपको आ जाएगा 45 सेकेंड आ जाएगा, राइट। तो आपको ये पता चल गया कि भाई बी का समय क्या होगा, बी का समय तो 45 सेकेंड और 15 सेकेंड। मतलब कि अगर वो 15 सेकेंड से हार रहा है, इसका मतलब हुआ कि उसको पूरा दूरी तय करने में 60 सेकेंड लगा। अब इसकी चाल निकाल लो भाई, चाल कितना है, तो 96 ही दौड़ा था 60 सेकेंड में, तो आप इसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदल दीजिएगा तो 18/5 से गुणा कर दीजिए, राइट। अब इसे काटिए, 16 × 6 = 96, 16 × 6 = 96, 10 × 6 = 60 और ये लीजिए, और ये आ गया कितना भाई, 9 × 18, 5 × 10, 16 × 9 = 144, 144 / 25, राइट।
इसको भागा दीजिएगा तो आपका जो आंसर आ जाएगा, चार से गुणा कर दीजिएगा, चार चौके 16, 14 चौके 56, 57, दो अंक के बाद दसमो लगा दीजिए, तो इतना किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। तो इस सवाल का जो उत्तर हो जाएगा वह बी आएगा, इस सवाल का उत्तर जो आएगा बी एकदम करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अब हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। देखो ये सवाल कह रहा है कि एक घड़ी सुबह 8 बजे सेट की जाती है, घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। ये सवाल में कह रहा है भाई कि घड़ी जो है 8 बजे सेट की जाती है और 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है, तो सही समय क्या होगा जब दूसरे दिन घड़ी 1 बजे अपराहन इंगित करती है। तो आप ये सोचिए कि 8 बजे अगर हम सुबह जब जाएंगे तो 8 बज रहा होगा, तो ये 24 घंटे में यानी अगले दिन जो होगी 8:10 हो जाएगी अगले दिन। और अगर ये कह रहा है कि 1 बजे इंगित कर रहा है, 1 बजे इंगित कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको जब करेक्ट घड़ी में 1 दिखा रहा है तो इसका मतलब हुआ कि 10 मिनट और बैक जाएगा और कुछ और बैक जाएगा, तो लगभग इस सवाल का जो उत्तर आ जाएगा बी सवाल का राइट आंसर होगा। एक मेंटल क्वेश्चन दिमाग से भी बना सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 8 बजे सेट की जाती है तो 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाता है, मतलब अगले दिन अगर देखा जाए सवेरे तो आपको ये 8:10 दिखाएगा। अब घड़ी में एक बज रहा है तो इसका मतलब वो कह रहा है कि 1 बजे अपराहन इंगित कर रहा है, मतलब घड़ी में एक बज गया है तो राइट टाइम पूछ रहा है। इसका मतलब कि 10 मिनट तो ऐसे ही आगे जा रहा है और 5 घंटा और आगे है तो कुछ और आगे गया होगा, इसलिए लगभग हम 12 घटा देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 12:48 इस सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए ये सवाल देखो, ऐसे सवाल जैसे ये दो दिया ऐसे मेंटल सवाल बन जाएगा, लेकिन आपको मैं तरीका भी बता देता हूं करना क्या है कि अगर दो है और दो के साथ इसके बटा में अगर कुछ भी मान ले एक घटेगा तो इसका उत्तर 1 आएगा। लेकिन आप इसे सॉल्व करके देख सकते हैं कि अगर हमने मान लिया कि x बराबर 2 - 1/2, इन सारे को हमने क्या माना, x मान लिया, तो बटा में x लिख सकते हैं। बोलो बात सही है। अब देखो यहाँ पर x का मान अगर हम 1 रखते हैं तो दोनों ओर सही आ जा रहा है ना, इसीलिए इस सवाल का जो आंसर 1 आएगा, इस तरह भी आप समझ सकते हैं। चलिए तो आगे देखिएगा अगला सवाल, इस तरह से क्वेश्चन पूछा था कि यदि हम कोई धनात्मक पूर्णांक है, कह रहा है यहां पर एक थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है कि यहां ये n रहेगा, यदि n कोई धनात्मक पूर्णांक है तो 3k⁴n - 4k⁴n हमेशा विभाज्य होगा, किससे कटेगा आपको इसका जवाब देना है। तो आपको एक रूल पहले पता होनी चाहिए कि जब भी x⁻⁴n - 1k⁻n होगा तो ये संख्या हमेशा x - a से विभाज्य होता है, ये संख्या हमेशा इससे विभाज्य होगा, ये नियम पता होनी चाहिए। देखो भाई आगे ये दिया है कि 3k⁴n - 4k⁴3n, तो यहां तो आप देख पा रहे हैं कि पावर अलग अलग है, तो आपको करना क्या होगा, ऐसे कर लीजिए आप इसके पावर को, पहले ऐसे करिए, ठीक है। तो आप इसको देखें तो आ गया ये 81k⁴n और ये आ गया 64k⁴n, तो आप देख सकते हैं ये किससे कटेगा, तो 81 - 64 घटाने पर क्या आएगा, 17 आएगा, तो इस सवाल का उत्तर क्या आ जाएगा, 17 एकदम करेक्ट आंसर होगा। आशा करते हैं कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, कहीं डाउट नहीं है, ये रिकॉर्डिंग वीडियो है, आप चाहे तो दोबारा रिपीट करके भी समझ सकते हैं, क्योंकि मैं 2-3 बार इन बातों को नहीं समझा रहा हूं, क्योंकि ये तो एक रिकॉर्डिंग ही है, आप इसको 2-3 बार भी समझ सकते हैं। देखो बाबू कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर, देखो सवाल में कह रहा है कि अगर दो गो संख्या एक्स वाई है तो इनके वर्गों के बीच का जो अंतर है वो कितना है, तो ये 256 पे 3 गो 0 है और इसका योग दे रखा है, योग दिया है 1000, राइट। अब आप इसको जानते होंगे कि इसको x+y (x - y) लिखा जाएगा और बटा में अगर भागा दे दिया जाए x+y से, तो आप इसे अगर भागा दे रहे हो तो 3 0 कट जाएगा, तो आपको ये 256 नजर आया, और ये वाला कट जाएगा तो x - y का मान आ गया 256। बोलो आया कि नहीं आया।
अब अगर ये आ गया, अगर मान लीजिए कि ये वाला समीकरण अगर एक होता और ये वाला दो होता, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये वाला तो कटेगा ना, कटेगा, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 12, 1000 और 256 जोड़िए 1256, दो से काट दीजिएगा तो 628 आ जाएगा। तो आपका पहला उत्तर जो सी दिख रहा होगा, इसको जोड़ने पर 1000 आ जाएगा। देखिए ये उत्तर आ रहा है, दोनों का जोड़ 1000 है। तो कहने का मतलब है कि सवाल का सही उत्तर सी एकदम सही है। आशा करते हैं कि ये पूरे मैथ के पूरे 10 क्वेश्चन को आपने अच्छा से सीखा होगा, समझा होगा। अगर किसी तरह की परेशानी हो या समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, सुझाव देना चाहते हैं तो हमें आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।